निकाला, आप क्या कर दे? Simple, हर एक लूप बना करके और हर एक के लिए चेक कर लेते कि वो पेलिंड्रोम है कि नहीं अगर है तो काउंट इंक्रीज कर देते और आप अल्टीमेटली वो काउंट को भेज देते हम लोग आज भी वही करेंगे हम लोग क्या करेंगे हर एक सबस्ट्रिंग के लिए एक पेलिंड्रोम बनाएंगे और उसको

i is less than And i ठीक है अभी देखिए हम लोग के पास बहुत सारा तरीका है पेलिंड्रोम चेक करने का हम लोग क्या कर सकते हैं हर एक कैरेक्टर का एक सबस्ट्रिंग बना बना कर भेज सकते हैं ठीक है, है? जहां तक हम लोगों को निकालना है पेलिंड्रोम और फिर पेलिंड्रोम चेक करेंगे बट मेरे पास क्या एक उपाय है ना कि हम लोग हर एक जो कैरेक्टर को भेजेंगे उसको एज अ मिड पॉइंट मान लेंगे

बना सकते हैं कि चलिए पेलिंड्रोम चेक करना है तो हम लोग एक पेलिंड्रोम चेक करते हैं पेलिंड्रोम कहाँ कहाँ चेक करेंगे हम लोग पहले एस भेजेंगे उसके साथ आई भेजेंगे और कहाँ तक इसको देखना है लेफ्ट या राइट कहाँ तक जाना है तो एक हम लोग ऑर्ड के लिए चेक करेंगे और एक इवेंट के लिए चेक करेंगे सो एक ऑर्ट के लिए भेजेंगे ठीक है और जब इवेंट के लिए भेजेंगे ना ये क्या हो गया इवेंट नंबर हो गया देखिए टू लेंथ हो गया यहाँ पे और अगर हम लोग आई प्लस वन के लिए अगर पेलिंड्रोम भेजते हैं मैं आपको ड्राई रन करके लास्ट में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आई से आई प्लस वन तक उसको देखेंगे और हम लोग एक सेट जो अपना बनाए थे उसको भेज देंगे और लास्ट में हम लोगों को क्या रिटर्न करना है सिंपल वो जो सेट का साइज है ना उसको रिटर्न कर देना है सो so, जो मेन फंक्शन है हमारे लिए वो हो जाएगा हमारा पेलिंड्रोम और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये बस सेट में इंसर्ट करेगा तो हम लोगों को इसके लिए वर्ड ही ले, ले लेंगे इसका रिटर्न टाइप और कुछ रिटर्न टाइप लेने की जरूरत है नहीं यहाँ पे सो चलिए वर्ड पेलिड्रोम तो ये क्या क्या ले रहा है पहला तो है वो हमारा एक स्ट्रिंग ले रहा है जो दूसरा है वो इंट इंट है सिंपल तो हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट और राइट right ताकि आपको समझ में आए कि ये आई और आई प्लस वन क्या इंडिकेट कर रहा है ठीक है और जो तीसरा है वो कुछ नहीं है वो आपका सेट है तो ऑटो ले लेगा ले और इसको कॉल बाई रेफरेंस से कॉल करेंगे ताकि हम लोग को उसको रिटर्न नहीं करना पड़े यहाँ जो भी चेंज करेंगे वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाए बस अब क्या करना है आपको एक लूप चेक करना है लूप लगाना है ताकि वो पेलिंड्रोम है कि नहीं वो आपको बताएगा So, हमारा कहां तक चलेगा जब तक हमारा जो लेफ्ट है ना जब तक हमारा लेफ्ट या तो वो जीरो हो जाए या तो वो जीरो से बड़ा रहे ठीक है और जो हमारा राइट रहेगा राइट कहां तक होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए हमारे एस टी आर डॉट लेंथ के ये हो गया हमारा बेसिक कंडीशन अब अगर आपको पेली चेक करना है ना तो पेलिंड्रोम क्या चेक करेंगे कि जो भी हमारा लेफ्ट में है क्या वो हमारा राइट में है अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है इसका मतलब कि वो पेलिंड्रोम है करेक्ट अगर ये तीनों केस सही है इसका मतलब कि हम लोग इसको सेट में डाल सकते हैं कि यस दिस इज आवर पेम सो हम लोग क्या करेंगे उसके सब स्ट्रिंग को निकाल लेंगे कहां से कहां तक? लो से लेकर के मतलब लेफ्ट से लेकर के हमारा राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन ठीक है इससे हम लोग सबस्ट्रिंग निकाल लिए जहां से हम लोगों को चाहिए था और हम लोग क्या करेंगे अपने लेफ्ट को डिक्रीज करेंगे और राइट को

इस में एंटर करेंगे ना तो देखेंगे B जो है हमारा वो पेलिंड्रोम है तो हम लोग सेट में बी को इंसर्ट कर दिए फिर हमारा लेफ्ट माइनस माइनस हो गया और राइट right भी प्लस प्लस हो गया तो लेफ्ट हमारा क्या हो गया जीरो राइट right क्या हो गया हमारा टू so, अब हम लोग चेक कर रहे हैं ए और ए ये भी तो हमारा इक्वल है ना ए और ए हमारा एस लेफ्ट और एस राइट right तो इक्वल है इसका मतलब ए बी ए जो है ये भी हमारा सब है तो हम लोगों ने सेट में उसको भी इंसर्ट कर दिया फिर लेफ्ट माइनस माइनस किया लेफ्ट हमारा जीरो से कम आ गया तो ये वाइल्ड लूप से बाहर आ गया सो तो अभी हम लोगों को क्या मिला बी मिल गया और ए बी ए ये तीनों मिल गया हम लोगों को ठीक है सो तो ये वाइल्ड लूप क्या कर रहा है ये हर एक कैरेक्टर को एज अ सेंटर एज अ मिड पॉइंट बना रहा है लेफ्ट डिक्रीज करके हम लोग उसका इवन लेंथ और एज वेल एज ऑड लेंथ ये दोनों लेंथ को हम लोगों ने पे कंसिडर किया है और हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो पेलिन्रोम है कि नहीं है और इसके बाद हम लोग सेट के साइज को रिटर्न कर देते हैं बस देखते हैं कंपाइल एन रन करके कि क्या हमारा ये सक्सेसफुल है यस yes, फाइव है एकदम सही और हम लोग इसको सबमिट करते हैं बहुत ही छोटा सॉल्यूशन था हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों का बढ़ गया यहाँ पर क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे दो बार इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली हम लोग इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब अगर हम लोग वो डीपीआरए लेकर बनाएंगे ना तो हम लोग इसको और इजी वे में कर सकते हैं मतलब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और घटा सकते हैं तो चलिए ये रहा आपका टास्क आप इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कीजिए कल फिर मिलते हैं हम लोग एक नई प्रॉब्लम के साथ तब तक के लिए गुड बाय स्टे ब्लेस्ड स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग